नमस्कार, जी बिजनेस पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं पावर ब्रेकफास्ट, आपके साथ मैं हूं मानसी दवे। सीधा विदेशी बाजार के संकेतों को समझते हैं। अमेरिकी बाजार से जो प्रेशर आ रहा है उसी के चलते एशियाई बाजार की शुरुआत में भी आज सुस्ती देखने को मिल रही है। सबसे पहले एसडीएक्स निफ्टी आपके टीवी स्क्रीन पर 11808 के स्तर पर फिलहाल कर रहा है ट्रेड। इस बीच डाउ फ्यूचर्स में देखिए 70-71 अंकों की बढ़त के साथ ट्रेड हम देख रहे हैं। लेकिन कल के कारोबारी सत्र में अमेरिकी बाजार में इंट्राडे में करीब 1000 पॉइंट्स की गिरावट देखने के बाद डाउ 650 अंकों की गिरावट के साथ बंद हुआ। नैसडैक में भी 200 अंकों की बिकवाली देखने को मिली। तो क्लियरली एशियाई बाजार अमेरिकी बाजार से जो संकेत हैं वो सुस्ती की तरफ ज्यादा इशारा कर रहे हैं। एक बार विस्तार से समझ लेते हैं विदेशी बाजार में क्या कुछ हो रहा है। दीपांशु भंडारी हमारे साथ जुड़े हैं, उसके बाद थोड़ी ही देर में आज के लिए पहली रणनीति भी आपको बताएंगे। जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी बस थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। दीपांशु, गुड मॉर्निंग, बताए विदेशी बाजार के संकेत क्या हो रहा है। गुड मॉर्निंग मानसी, एक बार के लिए अगर आप कल रात के एक्शन को भूल जाएं तो फिर ज़्यादा खराब संकेत नहीं आ रहे हैं। जिस तरह से एशिया की एटलीस्ट शुरुआत हुई थी, एक्सपेक्टेशन थी कि शायद इससे ज़्यादा कमजोरी हो, पर एसजीएक्स निफ्टी 30-35 अंक ऊपर है। ज़्यादातर एशिया के बाजार मामूली सी गिरावट इस समय दिखा रहे हैं आपको, और डाउ फ्यूचर्स में भी आपको ठीक ठाक एक्शन देखने को मिल रहा है। इससे पहले कि मैं कल शाम का एक्शन बताऊं, आज के लिए एशिया की एक बड़ी खबर है, एंट ग्रुप के आईपीओ का लॉन्च हुआ है। अब ये एंट ग्रुप अलीबाबा की फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी है, उनके डिजिटल पेमेंट्स हैंडल करती है। $34.5 बिलियन का आईपीओ है, यानी कि दुनिया की सबसे बड़ी आईपीओ आज लॉन्च हुई है, और ये अरामको से भी बड़ी आईपीओ होने वाली है। अरामको में तकरीबन $29 बिलियन रेज किए थे आईपीओ के जरिए, यहाँ पर आप $34 बिलियन से ज़्यादा की आईपीओ देख सकते हैं, तो वहाँ पर सबकी नज़र रहेगी। पर अगर आप कल शाम का अमेरिकी बाजारों का एक्शन देखें तो काफ़ी भारी गिरावट बाजारों ने देखी है, और कोरोना की चिंता से ही बाजार में इतनी बड़ी गिरावट आई है। साथ ही अगले हफ्ते इलेक्शंस हैं, सो उससे पहले लोगों ने अपनी पोजीशंस हल्की करी हैं, और स्टिमुलस पर अभी भी कोई क्लैरिटी नहीं है, जिसकी वजह से मूड बिगड़ा है। डाउ में हमने देखा कि 650 अंकों की गिरावट आई, 3 सितंबर के बाद सबसे बड़ी गिरावट डाउ में देखने को मिली है, और इंट्राडे में तो लगभग 1000 अंक डाउ फिसला था। आखिरी घंटे में थोड़ी रिकवरी आई तकरीबन 300 पॉइंट्स की। टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में भी हमने गिरावट देखी, हालांकि आखिरी घंटे में टेक्नोलॉजी में रिकवरी आई जिसकी वजह से डाउ संभला, पर बाकी सभी सेक्टर्स पर हमने दबाव देखा है, स्पेशली जो इकोनॉमी से जुड़े सेक्टर्स हैं वहां पर काफी भारी बिकवाली देखने को मिली। कल भारतीय बाजार जब बंद हो रहे थे तो तकरीबन डाउ फ्यूचर्स 250-300 अंक नीचे थे, तो वहां से भी देखें तो काफी ज्यादा गिरावट कल शाम के अमेरिकी बाजारों के एक्शन में रही। सभी सेक्टर्स में बिकवाली थी, स्टिमुलस पर अभी भी कोई क्लैरिटी नहीं है, जिससे चिंता बढ़ रही है, और आज जो कुछ अहम नतीजे आने वाले हैं उसकी वजह से भी थोड़ी पोजीशंस लाइटन करी। सबसे बड़े नतीजे आज माइक्रोसॉफ्ट के रहेंगे, तो वहां से भी देखते हैं कैसा प्रदर्शन रहता है। अगर आप यूरोप की बात करें तो वहां पर भी भारी गिरावट थी। जर्मनी में हमने देखा कि लगभग 4% की गिरावट आई, स्पेशली जो वहां के टेक्नोलॉजी स्टॉक्स है वहां पर प्रेशर बना। SAP यहां पर उन्होंने अपनी प्रॉफिट गाइडेंस वापस ले ली है, और वह कह रहे हैं कि रिकवरी में ज्यादा समय लगेगा, जितना अनुमान लगाया था उससे ज्यादा समय रिकवरी में लगेगा। कच्चे तेल में देखें तो यहां पर भी लगातार गिरावट है, कल भी 3% लुढ़का कच्चा तेल, और अब ब्रेंट $40 के करीब आ गया है। सोने में हमने हल्की सी कल खरीदारी देखी है। बिल्कुल दीपांशु, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो विदेशी बाजार के संकेत देखिए, अमेरिकी बाजार में सुस्ती जरूर देखने को मिली, लेकिन एशियाई बाजार अपने आप को संभालने की पूरी कोशिश में। अब दिन के चढ़ते किन लेवल्स पर एशियाई बाजार ट्रेड करते हैं ये जानना काफी इम्पोर्टेंट है। कल के कारोबारी सत्र में संस्थागत निवेशकों ने क्या किया ये जान लेते हैं। FISDIs के बिकवाली के आंकड़े कल आए हैं। देखिए FIIs ने कैश मार्केट में 119 करोड़ की बिकवाली की है, वहीं कैश मार्केट में DIIs की तरफ से करीब 980 करोड़ की बिकवाली के आंकड़े आए हैं। वायदा बाजार में भी FIIs ने 310 करोड़ की बिकवाली ही की है। तो क्लियरली FIIs, DIIs, कैश मार्केट और वायदा बाजार में बिकवाली का ही रुख अपना रहे हैं। अब सीधा रुख करते हैं हमारे स्पेशल सेगमेंट का, जहां हम रोज बात करते हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से। अनिल सर, गुड मॉर्निंग। अमेरिका में ये जो कोरोना की चिंताएं हैं इसी का असर हम ट्रेडिंग सेशन पर भी अमेरिकन मार्केट्स में देख रहे हैं, लेकिन एशियाई बाजार की शुरुआत जरूर गिरावट के साथ हुई, क्या संभलते हुए दिखेंगे? भारतीय बाजार के लिए फिर कौन सी रणनीति अपनानी है? गुड मॉर्निंग मानसी, देखिए करेक्शन की जो शुरुआत हुई है वो 1-1.5 दिन तक तो कम से कम रहना चाहिए, और ऐसे में अगर मजबूत शुरुआत और बड़े गैप से भारतीय बाजार खुलते हुए दिखे तो वहां पर पोजीशन हल्की करने का और बेचने का मौका होगा।
तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा ट्रेडर्स को अब से लेकर एक्सपायरी तक सावधान रहना चाहिए और अपनी तेजी की पोजीशन को कंट्रोल में रखना चाहिए। बाजार वोलेटाइल रहेंगे, एक तरफा चाल आपको दोनों तरफ नहीं दिखेगी, इसलिए जो उछाल मिलता है उस उछाल में आपको पोजीशन हल्की करनी चाहिए। चुनिंदा लेवल्स पर आप खरीदारी भी कर सकते हैं और बेहद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ। देखिए, तीन चीजें एक साथ हो रही है, एक तो अमेरिका में राहत पैकेज को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है, दूसरा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, सरपन है इस वक्त, और तीसरा कोरोना का ये और अनएक्सपेक्टेड काम हो गया जो एकदम से ब्रेकआउट होता हुआ दिखा है यूरोप के बाद अब अमेरिका में भी कोरोना के मामले। तो तीन चीजें ऐसी है जो ग्लोबल मार्केट्स को वोलेटाइल रखेगी और कमजोर भी कर सकती है, तो उस लिहाज से आपको सावधानी रखनी चाहिए। मेरा ये समझना है कि 11,650 ये मजबूत सपोर्ट के तौर पर काम करेगा बाजार के लिए। और आपको याद होगा कि इस महीने में जो लोज हमने बनाए जहां से रिकवरी दी वो 11,650-675 के ही लेवल है, जो 15 अक्टूबर के आसपास के लेवल थे, वहां से बाजार ने रिकवरी दी। तो एक बार की उन लेवल्स को सपोर्ट मानकर आप अपनी तेजी की पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। 11,650 के नीचे ही अब नई समस्या होगी। ऊपरी स्तरों पर 11,875-11,900 अगर ये रेंज मिलती है, ये परफेक्ट प्रॉफिट बुकिंग जोन और पोजीशन हल्की करने की रेंज है, और यहाँ पर अगर बाजार आए तो आप थोड़ा सा हल्का हो जाइए। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, 23,450-23,550 ये 100 पॉइंट की रेंज मजबूत सपोर्ट है। उससे पहले 23,850 थोड़ा एक हल्का सपोर्ट है जो कल का लो है, अगर वो टूटता है तो फिर 23,450-23,550 तक बैंक निफ्टी नीचे जा सकता है। और ऊपरी स्तरों पर 24,350-24,550 ये 200 पॉइंट की रेंज परफेक्ट रेंज है जहां पर आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। बिल्कुल अनिल सर, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए और पहली रणनीति हमें यहां पर बताने के लिए। तो आप देखिए, यहां पर 11,650-11,700 के दायरे को निफ्टी के लिए सपोर्ट जोन्स मानकर आप चल सकते हैं। 11,875-11,900 की ऊपरी रेंज है। इसके अलावा बैंक निफ्टी की अगर बात करें, 23,450 से 23,550 सपोर्ट जोन्स का काम करेंगे। वहीं 24,350 से 24,550 की ऊपरी रेंज है जिसे आपको ध्यान में रखना है। बैंक निफ्टी की स्ट्रेटेजी फिर से एक बार आपके लिए दोहरा देते हैं, 23,450 से 23,550 सपोर्ट जोन्स नोट डाउन कीजिएगा, 24,350 से 24,550 की ऊपरी रेंज है जिसे आपको मानकर चलना है। आगे बढ़ते हैं और 3 सितंबर के बाद डाउ के लिए कल का दिन जो था वो सबसे ज्यादा खराब रहा, क्योंकि इंट्राडे में डाउ करीब 1000 अंक गिरता हुआ दिखा। हालांकि आखिरी घंटे में फिर थोड़ी सी रिकवरी भी जरूर देखने को मिली, लेकिन गिरावट के साथ ही क्लोजिंग भी देखने को मिली। कल की गिरावट को कैसे समझे, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ ग्लोबल मार्केट एक्सपर्ट अजय बग्गा जुड़ गए हैं। अजय जी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर, अपना समय देने के लिए सुबह सुबह आपका शुक्रिया। अमेरिकी बाजार में गिरावट तो हम देख ही रहे हैं और इसके पीछे की वजह फिर से कोरोना है, कोरोना की चिंताएं जो कि फिर से हावी होती हुई दिख रही है। इस बीच मार्केट्स, ग्लोबल मार्केट का सेटअप आप कैसे देख रहे हैं आगे चलकर? जी बिल्कुल, देखिए दो अहम मुद्दे हैं ग्लोबल मार्केट्स के लिए। एक तो ये आप कह सकते हैं सेकेंड वेव जो शुरू हुई है, यूरोप जो खुल गया था, यूरोप में बहुत तेजी से केसेस बढ़ रहे हैं। अब फ्रांस जैसे देश में 52,000 केस हुए, जो ऐसा है कि अगर भारत में दिन के 10,00,000 केस निकले तो वो फ्रांस की पॉपुलेशन में 52,000 केस आ सकते हैं। तो वो ओवरवेल्म हो रहा है यूरोपियन अस्पताल सिस्टम और यूरोपियन इकोनॉमी में, फिर लॉकडाउन आने की आशंका है। यूके में भी, ब्रिटेन में भी इस तरह के लॉकडाउन है। अमेरिका में मानसी कल अस्पताल के केसेस सबसे ज्यादा हो गए इस समर के बाद, गर्मियों के मौसम के बाद, तो ऑलरेडी अमेरिकी हॉस्पिटल सिस्टम पे भी असर पड़ रहा है। तो यही दर्शा रहा है मार्केट भी कि अगर ये कोरोना को नहीं टैकल किया गया, वैक्सीन नहीं आती है, तो ये सर्दियां काफी खराब रहेंगी। दूसरी अहम बात है जो हम कहते रहे हैं, अमेरिकन इलेक्शन जो कि 3 नवंबर को है मानसी, तो ये 2 हफ्ते हमें बहुत वॉलेटाइल दिख रहे हैं, ऊपर नीचे मार्केट रहेगा। अब यूएस फ्यूचर्स देखिए, अभी जब मैंने सवेरे देखा था तो ऊपर हो गए थे, तो ये मार्केट ऊपर नीचे रहेगा, दोनों तरफ से नुकसान देगा ट्रेडर्स को। तो हमारी चाल यही रहनी है कि मार्केट जब तक एक यूएस प्रेसिडेंट घोषित नहीं हो जाता अगले हफ्ते, थोड़ा ऊपर नीचे रहने की आशंका है। लेवरेज पोजीशंस मत बनाइए, फ्यूचर्स में ध्यान से खेलिए और स्टॉप लॉस बहुत टाइट रखिए, ताकि नुकसान भी है तो छोटा नुकसान हो। ओवरऑल मार्केट्स पे कोरोना और यूएस इलेक्शन, इन दोनों का बहुत तेज असर चल रहा है। और तीसरी बात जो भारत के लिए है,
अभी हमारे जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो लगभग 80% लेवल पे पहुंची है, बट थोड़े से एक आशंका आ रही है, जैसे ऑटो के नंबर इतनी तीव्रता से नहीं बढ़ रहे, जो हमें नवरात्रि में बढ़ने के उम्मीद थी वो नहीं दिख रही, तो ये भी एक और माहौल बनेगा भारतीय मार्केट्स के लिए, बट ओवरऑल ग्लोबल हावी रहेंगे। तो अभी कॉशन की बात है, चेतावनी है, दो हफ्ते के लिए हमें साइड पे बैठना चाहिए। जी मानसी, बिल्कुल। अजय जी, आप चुनाव की भी बात कर रहे हैं, एक सवाल इससे जुड़ा भी आपसे, आपकी क्विक राय जानना चाहेंगे, बाजारों के लिए किसका जीतना बेहतर होगा, आपको क्या लगता है, डोनाल्ड ट्रंप, जो बाइडेन? निश्चित तौर से डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि वो टैक्स काटते हैं और वो डीरेगुलेट करते हैं, तो बिजनेसेस को प्रॉस्पर करने देंगे। बाइडेन की जो नीति है वो है टैक्स बढ़ाने की, रेगुलेशंस बढ़ाने की, तो शॉर्ट टर्म में डोनाल्ड ट्रंप ही इकोनॉमी के लिए बेटर रहेंगे, बट अभी कहना मुश्किल है दोनों में से कौन जीतेगा। जी बंसी, बिल्कुल बिल्कुल। अजय सर, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आप इन शॉर्ट ब्रीफ में तो यहां पर विदेशी बाजार और साथ ही अमेरिका में जो चुनाव है उससे जुड़ी बातचीत और विश्लेषण अजय बग्गा सर से समझ ही रहे हैं, लेकिन अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के भारत के लिए क्या मायने हैं, इसके लिए ग्लोबल मार्केट एक्सपर्ट अजय बग्गा के साथ सटीक विश्लेषण आपको 10:50 पर आज देखना होगा। सारी की सारी जानकारी विस्तार से जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ेंगे और इस मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे। इस बीच हमने एक ट्विटर पोल भी कराया है, दर्शकों की राय हम जानना चाहते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव पर हमने एक पोल कराया है, भारत के लिए कौन बेहतर रहेगा, ए डोनाल्ड ट्रंप या बी जो बाइडेन। इस पर #USElectionsOnZee पर जाकर आप अपनी राय जो है, आप अपनी चॉइस जो है बता सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा ये पोल आपको हमारे ट्विटर हैंडल पर मिल जाएगा, #USElectionsOnZee पर। इसी के साथ खबरों के चलते कहां पर एक्शन है एक बार समझ लेते हैं पूजा त्रिपाठी से। पूजा, गुड मॉर्निंग, बताएं। गुड मॉर्निंग मानसी, शुरुआत आज के ट्रिगर से कर लेते हैं। आज नतीजों की बात करें तो निफ्टी से टाटा मोटर्स और भारतीय एयरटेल अपने नंबर्स घोषित करेंगे, और वायदा बाजार से आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल और अमर राजा बैटरीज के नंबर्स आएंगे। तो ये कुछ अहम नतीजे हैं जहां पर की हमारी नजर रहेगी। इसके अलावा आज से शशिधर जगदीशन आज से HDFC बैंक के नए MDO और CEO पद का कार्यभार संभालेंगे। कुछ और नतीजों की बात करें तो कल वायदा बाजार से टोरेंट फार्मा ने अपने नंबर्स घोषित किए, नतीजे काफी अच्छे दिखाई दे रहे हैं, हालांकि आय सपाट है लेकिन कामकाजी मुनाफे मुनाफे के फ्रंट पर ग्रोथ काफी अच्छी देखने को मिली है, मुनाफा 27% बढ़ा है कंपनी का। एमएनएल फाइनेंशियल्स के नंबर्स भी अच्छे दिखाई दे रहे हैं, ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए में देखेंगे तो काफी ज्यादा गिरावट यहाँ पर देखी गई है, ब्याज से आय में 5% की बढ़त, मुनाफा 20% बढ़ा है कंपनी का। फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज के भी नंबर्स अच्छे दिखाई दे रहे हैं, ये कैश सेगमेंट के नतीजे हैं, आय में करीब करीब 1.5% की बढ़त है लेकिन मुनाफे में 17% की बढ़त इस बार कंपनी ने दर्ज की, कामकाजी मुनाफे के फ्रंट पर भी नंबर्स शानदार नजर आ रहे हैं। एंजल ब्रोकिंग के नंबर्स काफी अच्छे हैं, आय में 81% की बढ़त, कामकाजी मुनाफा 3 गुना बढ़ा है कंपनी का और मुनाफे में 4 गुनी बढ़त देखने को मिली है, तो स्टेलर परफॉर्मेंस रहा है एंजल ब्रोकिंग की तरफ से। मैक्स वेंचर्स के नंबर्स कमजोर आए हैं, आय में की अगर बात करेंगे तो 33% की गिरावट इस बार कंपनी ने दर्ज की है, हालांकि मार्जिन जरूर बढ़े हैं लेकिन मुनाफे से घाटे में आ चुकी है कंपनी, तो कमजोर नंबर्स हैं। इन्वेंट्रीज में जो बदलाव हुआ इसके चलते हम देख रहे हैं कि कामकाजी मुनाफे में एक बढ़त देखने को मिली है। अब बात करते हैं कुछ खबरों की। NTPC आज फोकस में रहेगा, कंपनी 2 नवंबर को बोर्ड की बैठक करेगी जिसमें की बायबैक को लेकर कुछ फैसला निकलकर आ सकता है। IRCTC भी आज फोकस में रहेगा, IRCTC में OFS के जरिए विनिवेश के लिए मर्चेंट बैंकर्स नियुक्त कर लिए गए हैं, 3 साल की अवधि के लिए ये बैंक इन बैंकर्स को नियुक्त किया गया है। IRFC पर भी नजर रखे, इसकी एक अपडेट आपको दे देते हैं। IPO के लिए सेबी में अर्जी दी है और IPO के जरिए करीब करीब 178 करोड़ शेयर बेचेगी कंपनी, तो ये एक अपडेट IRFC की तरफ से। IDBI बैंक भी फोकस में रहेगा, 29 अक्टूबर को बोर्ड की बैठक होगी जिसमें की QIP के जरिए फंड जुटाने पर विचार किया जाएगा। NCL इंडस्ट्रीज कंपनी ने अपने सितंबर तिमाही के जो बिक्री के आंकड़े हैं और प्रोडक्शन के आंकड़े वो जारी किए हैं, जिसमें कि सीमेंट उत्पादन की बात करें तो 65% की बढ़त यहां पर दिखी गई है, आंकड़े काफी अच्छे दिखाई दे रहे हैं।
और आखिर में बात करते हैं टाटा ग्रुप की। ये तमाम कंपनियां भी आज फोकस में रहेंगी क्योंकि खबर आ रही है कि शपूरजी पलूंजी ग्रुप आज ही सुप्रीम कोर्ट में सेटलमेंट टर्म फाइल कर सकते हैं और इस पूरे मामले की जो सुनवाई है वो अगले महीने हो सकती है। हम आपको बता दें कि टाटा सन्स से बाहर होने के लिए शपूरजी पलूंजी ग्रुप ये सेटलमेंट फाइल करेगी। ऑप्शंस की कॉल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी पहले देख लीजिए। वीके शर्मा की तरफ से ऑप्शंस की कॉल है मारुति 7100 की कॉल खरीदने की राय। यहाँ पर टारगेट जो है 120 का मांग कर चले, स्टॉप लॉस 50 का आपको ध्यान में रखना होगा। हर रोज 7:30 बजे हम खास पेशकश बाजार आज और कल लेकर आते हैं जिसमें आपको ऑप्शंस की दमदार रणनीति बताते हैं। इस बीच कुछ इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग कॉल्स आज के लिए जान लीजिए। चॉइस ब्रोकिंग की तरफ से एलएनटी कैश मार्केट में खरीदारी की राय है। टारगेट 979 के 935 का स्टॉप लॉस लगाकर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। फर्स्ट सोर्स लिमिटेड यहां पर भी खरीदारी की राय। आनंद राठी की तरफ से एफएसएल में 80 के टारगेट्स को ध्यान में रखें, 72 का स्टॉप लॉस लगाकर आप खरीदारी कीजिएगा। सेंचुरी प्लाई खरीदारी की राय। आनंद राठी सिक्योरिटीज मानता है कि 200 के टारगेट्स को ध्यान में रखा जा सकता है, 187 का स्टॉप लॉस लगाकर यहां पर भी खरीदारी का मन बनाया जा सकता है। तो मारुति ऑप्शंस में 7100 की कॉल खरीदने की राय। इसके अलावा एलएनटी एफएसएल और सेंचुरी प्लाई पर ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव के लिहाज से आप खरीदारी करके चल सकते हैं। किरण जाधव .com के सीईओ आशीष केलकर से हमने बातचीत की और उनकी कॉल्स आपके सामने रख देते हैं। उन्होंने सन फार्मा पर बिकवाली की राय दी है। 480 का स्टॉप लॉस लगाइएगा। टारगेट 467 पहला टारगेट, उसके बाद 463 तक भी ये जाता हुआ दिख सकता है सन फार्मा के लिए बिकवाली की राय। इस बीच एसबीआई लाइफ यहां पर खरीदारी की राय है आशीष की तरफ से 772 के स्टॉप लॉस के साथ, 794 का एक टारगेट यहां पर आप मानकर चले। कमोडिटी एक्सपर्ट केडिया कमोडिटीज के अजय केडिया से हमने बातचीत की। बुलियन मार्केट में खरीदारी का मौका बनता हुआ उन्हें दिख रहा है। गोल्ड में खरीदारी कीजिएगा। यहां पर टारगेट 51100 पहला टारगेट आप ध्यान में रखें, 51200 दूसरा टारगेट भी जाता हुआ दिख सकता है, हालांकि स्टॉप लॉस 50650 का बिल्कुल लगाइएगा। सिल्वर में खरीदारी कीजिएगा 62200 के टारगेट्स के लिए, 62600 का दूसरा टारगेट, अगर 62200 के पार निकलता है तो 62600 तक भी जा सकता है, 61200 के स्टॉप लॉस के साथ यहां पर भी खरीदारी का मन बनाया जा सकता है। कच्चे तेल की चाल उतार चढ़ाव के बीच हम ट्रेड होता हुआ दिख रहे हैं, इसी के चलते बिकवाली की रणनीति अजय जी की तरफ से आती देखने को मिल रही है। 2820 पहले टारगेट के तौर पर, 2780 दूसरे टारगेट के तौर पर बिकवाली की राय है, 2940 का स्टॉप लॉस आप लगाइएगा। वहीं कॉपर में भी बिकवाली की रणनीति अपनाकर चल सकते हैं। 526 पहले टारगेट, 526 से आगे 523 तक भी लुढ़क सकता है, 534 का एक स्टॉप लॉस लगाकर यहां पर बिकवाली। तो क्रूड और कॉपर में बिकवाली लेकिन गोल्ड सिल्वर में खरीदारी के मौके बनते हुए। अब वक्त है एफआईआर का, यानी कि एफआईआर इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट्स का। ब्रोकरेज रिपोर्ट्स लेकर आशीष चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़े हैं। आशीष गुड मॉर्निंग, बताएं। गुड मॉर्निंग मानसी। कोटक महिंद्रा बैंक कल बैंक के नतीजे आए थे। सीएलएसए की रिपोर्ट आउटपरफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है, लक्ष्य 1400 से बढ़ाकर 1600 कर दिया, 1410.2 है कल की क्लोजिंग। और ये मान रहे की कंपनी के जो नतीजे हर पैमाने पर बढ़िया देखने को मिले। जेफिनीज ने भी खरीदारी की राय को बरकरार रखा है, लक्ष्य 1570 से बढ़ाकर 1700 कर दिया है। और फिलहाल के लिए आखिरी रिपोर्ट है मारुति पर, जेफरीज की रिपोर्ट है जहां पर खरीदारी किराए को बरकरार रखा गया है 8500 रुपए के लक्ष्य के लिए, 7056 जो है कल की क्लोजिंग है। और उन्होंने ईपीएस के अनुमान में भी देखिए काफी बढ़िया बढ़ोतरी की है। बिल्कुल आशीष शुक्रिया ये जानकारी के लिए, ब्रोकर रिपोर्ट हमें बताने के लिए। इसी के साथ पावर ब्रेकफास्ट में फिलहाल इतना ही।